श्री परमात्मने नमः। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्ध्याय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर अर्थात उन्हें एक समान समझकर युद्ध करो। इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। किसी भी परिस्थिति में सफलता असफलता लाभ हानि और सुख दुख की कोई भी अपेक्षा ना करके केवल यह देखना ही उचित होता है कि यह कर्तव्य है या नहीं। कर्म को कर्तव्य समझ के करने से मन में बहुत शांति मिलती है और एक योगी को समता में स्थापित करती है। अगर हम समता को समझें तो हम कह सकते हैं कि यह योगी का निर्धारित लक्ष्य है, जो विपरीत परिस्थिति में बिना विचलित हुए योगी को कर्तव्य कर्मों के फलों से मुक्त कर देता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा, उसकी चिंता एक समता में रहने वाले योगी को नहीं होती है। तीन विपरीत गुणों में सुख दुख हमारे विवेक को, लाभ और हानि हमारे मन को, जय और पराजय हमारे शारीरिक स्तर अर्थात फिजिकल बॉडी को प्रभावित करती है। इसके विपरीत ये समता हमारे विवेक, मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित करती है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। यही बुद्धि योग है। जो योगी बुद्धि योग में या समता में स्थापित हुए बिना कुछ शुभ या अशुभ कर्म, उस कर्म के फल की कामना को सामने रख के करता है, वह उस फल को अवश्य भोगता है। परंतु कोई कर्म केवल कर्तव्य समझ के किया जाए और फलस्वरूप से होने वाले सुख से संबंध ना रखा जाए तो इस प्रकार किया हुआ कर्म कोई फल नहीं देता, बल्कि कर्म करने वाले के लिए वही मोक्ष का साधन बन जाता है। कर्म करने में कुछ ना कुछ श्रम तो होता है, परंतु कर्मों के फलों के तुच्छ सुखों से संबंध ना रख के मनुष्य अपने आप को सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा लेता है। योग का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि मानसिक संतुलन का अभ्यास माया के प्रभाव को निष्प्रभावित कर देती है। जो रोज मेडिटेशन करता है वह इस संसार और माया से प्रभावित नहीं होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक योगी यांत्रिक रूप से अर्थात मैकेनिकल टाइप से अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपितु वह विपरीत भावनाओं आसक्ति विकर्षण लालसा इन सब पे नियंत्रण रखता है। सांसारिक मनुष्य इस श्लोक को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। भौतिक समृद्धि चाहने वाले मीन्स मटेरियलिस्टिक डिजायर रखने वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सफलता और असफलता में अपने मन को शांत रखना चाहिए। एक व्यापारी जो अपनी अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता और अपनी एकाग्रता को बड़ी सफलता की तरफ लेता चला जाता है। टेम्परेरी सफलता पर अत्यधिक प्रसन्न होने वाले व्यक्ति कभी भी समृद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वे विवेकपूर्ण फैसले नहीं लेते हैं, अपने धन को कहीं पे भी खर्च कर देते हैं और इस प्रकार वह असफल हो सकते हैं। प्रत्येक सांसारिक मनुष्य को जो किसी भी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में सफलता चाहते हैं, अपने जीवन की निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने मन को उन्हें शांत रखना बहुत आवश्यक है। उसे एक ट्रैक्टर की भांति जीवन रूपी खेत के उतार और चढ़ाव पे सरलता से चलने में सक्षम होना चाहिए। एक समचित व्यक्ति अर्थात जिसका चित हमेशा समता में रहता है, विवेक के दर्पण की भांति होता है जो अनुकूल और प्रतिकूल घटनाओं की सच्ची प्रकृति को देखता है और दिखाता है। इस प्रकार वह भावनात्मक विकृतियों अर्थात
इमोशनल डिल्यूजन के द्वारा पथ भ्रष्ट हुए बिना, बिना किसी गलत रास्ते पे जाए बिना बुद्धिमानी पूर्वक तथा उचित रूप से कार्य करने के लिए स्वयं को हमेशा रेडी रखता है और अपने भीतर परमात्मा के स्पष्ट प्रतिबिंब को देखता है। ईशाते भीहिता सांखे बुद्धियोगे त्वमिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। मैंने सांख का परम ज्ञान तुम्हें स्पष्ट किया है, परंतु अब तुम्हें योग के ज्ञान के विषय में भी सुनना चाहिए। हे पार्थ अर्जुन, इससे सुसज्जित होकर तुम कर्म के बंधनों को छिन्न भिन्न कर दोगे। एक भक्त को योग के गुप्त दिव्य मार्ग के विषय में अवश्य जानना चाहिए, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त किया जा सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन वो मार्ग है जिसके द्वारा कर्म के कारागार से बाहर निकला जा सकता है। योग से अहंकार को आत्मा के साथ और आत्मा को परमात्मा के साथ मिला लिया जाता है। ऐसा करने से अहंकार इस भ्रम से बाहर आ जाता है कि वह केवल एक मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो योग प्रवृत्तियों का उपयोग करता है या सीख रहा है, वह एक योग्याभ्यासी है। परंतु जो परमात्मा के साथ परम एकता को प्राप्त कर लेता है, वह एक सिद्ध योगी है। योग के नैतिक अनुशासन अर्थात उचित कर्म तथा इच्छाओं का त्याग राइटियस एक्शन एंड फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डिजायर अर्थात कर्मयोग और ध्यान की इसी प्रवृत्ति के उपयोग द्वारा भक्त अपने अतीत के कर्म फल तथा संचित प्रवृत्तियों को बार बार एक्सपीरियंस करने से स्वयं को धीरे धीरे मुक्त कर लेता है। वह इस जीवन और पिछले सभी जीवन के संचित बीजों को नष्ट करना सीख जाता है और योग की प्रवृत्तियों द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा यूनिवर्सल एनर्जी जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के उन खांचों को भस्म कर देती है जिसमें हमारी पास्ट की प्रवृत्तियाँ छिपी हुई हैं। इसीलिए योग का अभ्यास नए कर्म निर्मित करने वाली इच्छाओं को उत्पन्न होने से रोकता है। नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसीलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। इस श्लोक में कर्म योग की विशेषताएं बताई गई हैं। संसार में अधिकांश कर्म ऐसे होते हैं कि यदि उनके करने में कोई त्रुटि रह जाए या कोई फॉल्ट हो जाए तो उनका फल उल्टा होता है। जैसे साधारणतः घी बहुत हेल्दी माना जाता है, पर ज़्यादा मात्रा में लेने पे यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। परंतु कर्मयोग का साधन इस दोष से सर्वथा मुक्त होता है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कोई हानि नहीं होती है, परंतु यदि यह साधना ठीक ठीक हो जाए तो लाभ पूरा पूरा होता है। कर्मयोग का साधन यदि इस जीवन में पूरा ना भी हो तो उसके संस्कार मनुष्य के चित्त में पड़े रह जाते हैं और आगे के जन्मों में वे संस्कार उसे पुनः उस साधन में लगा देते हैं। यदि इस जीवन में समबुद्धि से कर्तव्य कर्म किए जाते हैं तो उन कर्मों का फल तो ना भोगना पड़ता है, लेकिन जो कर्म पहले किसी फल की इच्छा को सामने रख के किए गए हो तो उनके फलों का क्या होता है, इसके प्रति उत्तर में भगवान उत्तर देते हैं
ये कर्म योग का थोड़ा सा भी आचरण मनुष्य की बड़ी से बड़ी भारी से भारी अनिष्ट से रक्षा करता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी से एक बहुत बड़ा सूखी घास का ढेर आग लगने से तुरंत भस्म हो जाता है, इसी प्रकार कर्म योग का थोड़ा सा भी आचरण असंख्य जन्मों के कर्मों की फल रूपी घास को भस्म कर देता है। इसीलिए मनुष्य को जब भी यह बात समझ में आ जाए तभी से बुद्धि योग का आश्रय लेके समबुद्धि से कर्तव्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें लाभ ही लाभ है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हे गुरुनंदना बहुशाखा हे नांताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। और हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी या सकाम पुरुष की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अर्थात अनिश्चित मन के तर्क अनंत एवं विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस श्लोक में निश्चयात्मक बुद्धि या विवेक बुद्धि और इंटेलेक्ट टू टेक परफेक्ट डिसीजन, इस बुद्धि योग के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। बुद्धि योग का साधन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बुद्धि को केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए। वह बिंदु यह है कि मनुष्य जीवन केवल इसीलिए मिला है कि इस छोटे से जीवन में ऐसा साधन कर लिया जाए जो आगे 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में जीवन मरण के कष्ट से हमारी रक्षा करे। इस प्रकार के निश्चय से डिटर्मिनेशन से युक्त बुद्धि यदि संभाव में स्थिरता से प्रतिष्ठित हो जाती है, मीन्स सुख दुख लाभ हानि सबको स्थिरता के साथ फेस करती है, तो उसी को यहाँ पे निश्चयात्मक बुद्धि का नाम दिया गया है। यदि इस पे विचार किया जाए तो इससे बड़ी कोई बात ना होगी कि मनुष्य जीवन में जो थोड़ा सा समय दिया गया है उसका सदुपयोग करने पर एक जीव सदैव के लिए जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। उसका उपयोग ना करके उल्टे इस मनुष्य जीवन में और भी अधिक बेड़ियां डाल लें तो इससे बढ़कर और मूर्खता क्या होगी। इसीलिए एक सच्चे आध्यात्मिक आकांक्षी ट्रू स्पिरिचुअल सीकर जो केवल ईश्वर पर पूर्ण रूप से एकाग्र है, शीघ्र ही एक सद्गुरु और सेल्फ रियलाइजेशन के एक सच्चे पथ को या रास्ते को पहचान लेता है। वह ईश्वर तक ले जाने वाली गुरुप्रद ध्यान की पद्धतियों को अभ्यास करता है। जो भी उनके सच्चे गुरु जो भी टेक्निक्स उन्हें सिखाते हैं या ध्यान करने के जो तरीके उन्हें बताते हैं उसको बहुत लगन से सीखता है। इस प्रकार बिना किसी कठिनाई के अपने उद्देश्य में दृढ़ रहकर वह दिव्य मुक्ति के शिखर तक पहुंच जाता है। तो यह कह सकते हैं कि इस विवेक बुद्धि या निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा ही कर्म योग में लगकर एक योगी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव, जय परमात्मा।